बना नशे का अड्डा बाईपास पर हो रहा है सरेआम नशे का कारोबार। पिहोवा पूरी तरह नशे का अड्डा बनकर रह गया है। पिछले कुछ सालों से पिहोवा में नशे का कारोबार इस तरह बढ़ गया है कि आए दिन कोई ना कोई नवयुवक नशा लेता हुआ पकड़ा जाता है और कई बार तो अधिक नशा लेने पर बेहोश होकर वहीं कहीं एक किनारे पर पड़ा हुआ आम मिल जाता है। ऐसा ही पिछली रात को नीली खेड़ी के पास रहने वाला एक नवयुवक संदौली गांव के एक ट्यूबवेल में सरेआम स्मैक का नशा करते हुए पकड़ा गया। किसान जसदेव सिंह ने जब यह देखा कि उसके खेत के सामने एक लावारिस बिना नंबरों की मोटरसाइकिल खड़ी है तो उसको शक हुआ और उसने अपने ट्यूबवेल में जाकर देखा तो एक नवयुवक वहां पर स्मैक पी रहा था। तभी नशा करने वाले से बातचीत करने पर उसने यह माना कि मैंने यह नशा लिया हुआ है और यह नशा पिहोवा से मुझे सप्लाई होता है। उससे पूछने पर यह भी पता चला कि पहले भी 3 बार मैंने पिहोवा से फ्लाईओवर बाईपास से यह नशे की डिलीवरी ली है। तब उस नवयुवक को पकड़कर थाने ले जाकर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के IO हंसराज से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस युवक ने नशा तो किया हुआ है पर इस नशे की बरामदगी नहीं हुई है। पूछताछ की जा रही है और आगे इसकी कार्यवाही की जाएगी तथा इसके नशा सप्लायर को भी पकड़ा जाएगा। अब देखना ये है कि पुलिस कितनी कार्यवाही करती है और इस नशे के कारोबार का कितना भांडाफोड़ करती है। तेरा नाम क्या है? संयम भाई। क्या? संयम। संयम कहाँ का है भाई? बराने का है। बराना। बराना यहाँ कैसे आया भाई? स्मैक पी रहा था। स्मैक पी रहा था? हाँ जी। ये क्यों यहाँ पर ये संदौली गांव मिला था किसी के खेत में आके स्मैक पी रहा, कोई अच्छी बात है? गलती होगी भैया जी, आगे से माफ कर दो, आगे से कभी नहीं करूंगा। नहीं, यहाँ पर स्मैक कहाँ से लेते हो आप? से लेता ली थी। कहाँ से बताओ? बोले तीसरे बारी लिया पेवा से। तीसरी बारी पेवा में सरेआम स्मैक बिकती है? सरेआम तो नहीं बिकती, मतलब वो वैसे दे के जाता है मेरे को आधा एक ग्राम बस इतनी। कौन बेचता है? नाम तो उसका मेरे को सही तो पता नहीं, साबा साबा बोलते हैं भाई उसको। तो तू ये गांव कहाँ पड़ता है? कमालपुर का है, वैसे विशालपुर से है। ये गांव कहाँ पड़ता है तुम्हारा? हमारा नीलोगढ़ी के पास। नीलोगढ़ी पास। तो यहाँ कैसे आया, यहाँ कौन है तेरा जानकर? वही लड़के से ली थी। कौन से लड़के? साबा साबा बोलते हैं, सही विशाल है नाम उसका। विशाल कहाँ का है ये? ये पेवे का। पेवे में कहाँ रहता है? पेवे में पता नहीं, घर नहीं पता भैया मेरे को। यहाँ उसने समय कहाँ दी तेरे को? पुल के पास दी थी। है पुल के पास दी थी। कौन से पुल? ये पुल जो नया फल फ्लाई ओवर बना है। हाँ जी भैया। यहाँ पर पहले भी स्मैक पीती है? नहीं, यहाँ पे नहीं पी मैंने पहले। हाँ? यहाँ पे पहली बारी पी है, ली यहाँ से 2 बारी पहले, तीसरे बारी भी आज ली है। ठीक है। हाँ सर, आप अपना नाम बताइए और डेजिग्नेशन बताइए। हंसराज SI। हाँ, ये बताइए जो कल एक नशेड़ी को पकड़ा गया है उसके बारे में बताइए, जो स्मैक ये पकड़ा गया उसके बारे में बताइए। उसको कुछ लोग लेके थाने में आए थे। हाँ जी। उसे पूछताछ की जा रही है कि वो स्मैकिया है या स्मगलर है। हाँ जी। उसे हवाला से निकाल के पूछताछ की जो निवारण कार्रवाई थी हमने करा। तो ये मतलब जो लोग छोड़ के गए हैं उस टाइम ये नशे में था? तो आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? पूछताछ अभी जारी है हमारी। अगर कोई बड़ा फोड़ता है तो अलग बात है, नहीं तो नशेड़ी तो क्लियर है, डिक्लेयर करा था एक बार में, मानता है कि मैं आती हूँ।